जय हिंद सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हमारे देश में जब भी कोई ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात आती है या कही जाती है तो वो है भारतीय सेना। लेकिन साथियों, हाल ही में हमारे संसद में पेश की गई रिपोर्ट इस सच्चाई को छिपा रही है, यानी कि अभी तक जो हम सोच रहे थे कि भारतीय सेनाओं में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है या सेना में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। साथियों, हाल ही में भारतीय संसद के राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार सेना में भी भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं और ये लिखित में प्रूफ के साथ ये रिपोर्ट है जो पेश की गई है। आज हम इस वीडियो में उसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे ताकि हमें भी ये समझने को मिले कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्विस करके आए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो छवि है उसको भी खराब करने में कुछ असामाजिक तत्व है जो सेना में नौकरी कर रहे हैं उनका भी योगदान है। वैसे साथियों, हमें भारतीय सेना पर पूरा गर्व है और ऐसे लोग -0.001% है जो ऐसे नकारा काम करते हैं। इन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारी सेना के पूरे तंत्र भी लगे हुए हैं और एक दिन ये छोटा मोटा जो भ्रष्टाचार है वो भी खत्म होके रहेगा। साथियों, आइए अब हम रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं कि कितने कितने भ्रष्टाचारी और कौन से साल में ये पकड़े गए हैं। आइए साथियों, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा राज्यसभा में 14 मार्च 2022 को पेश की गई है। इसका जो विषय है वो है करप्शन इन आर्मर्ड फोर्सेस और राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय से 3 क्वेश्चन के जवाब पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ करप्शन केसेज इन्वॉल्विंग पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज, यानी जो भारतीय सेनाओं में सर्विस कर रहे जो आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल है उनका करप्शन में लिप्तता की जो संख्या है वो कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वेदर द नंबर ऑफ करप्शन केसेज हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ सिंस 2010, यानी 2010 के बाद में ये करप्शन के केसेस क्या इंक्रीज हुए हैं, यदि है तो उसकी जानकारी दें और इसके पीछे यानी करप्शन के पीछे रीजन क्या है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहां पे रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में 14 मार्च 2022 को पेश किए हैं। आइए साथियों, जो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, इसका जो आंसर यहां पे राज्यसभा द्वारा दिया गया है उसके अनुसार द नंबर ऑफ करप्शन केसेज इन्वॉल्विंग द पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज सिंस द ईयर 2010 आर एज अंडर, यानी 2010 से लेके अभी तक तीनों सेनाओं में जो करप्शन केसेस है जिसके अंदर सेना के ही लोग शामिल है उनकी संख्या आर्मी में 1046 है, 1046, नेवी में 5 है और इंडियन एयर फोर्स में 29 है। यानी साथियों, करप्शन के मामले में जो आर्मी के लोग हैं वो सबसे आगे, उसके बाद इंडियन एयर फोर्स के और उसके बाद नेवी के। साथियों, जो करप्शन शब्द है उसके बारे में सभी को पता है, इसलिए करप्शन के बारे में ज़्यादा जिक्र करने की यहाँ पे मैं आवश्यकता नहीं समझता कि करप्शन क्या होता है और किस प्रकार का होता है। आप भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करके आए होंगे, जो भी जिस भी प्रकार की जो माल प्रैक्टिस होती है वो करप्शन के अंडर आती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। अब देखिए साथियों, आगे जो ये फिगर यहाँ पे बताया हुआ है 2010 से नहीं दिया गया, रक्षा मंत्रालय ने 2013 से 2021 के फिगर यहाँ पे पेश किए गए हैं, यानी इसका मतलब है 2010 से लेके 2012 के फिगर इनके पास अवेलेबल है ही नहीं, जिस समय की बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, उसका आंसर जानेंगे कि क्या 2010 के बाद में जो करप्शन के केसेस है बढ़े साल दर साल बढ़े हैं। इसका जो जवाब दिया है देखिए साथियों कि देयर हैज बीन ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स, यानी यहाँ पे 2013 से यदि इन्होंने फिगर दिया है तो 13, 14, 15, 16 से लेके 2021-22 तक अलग अलग ईयर वाइज नहीं दिया है, कंबाइन करके दे दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेज है करप्शन के वो कम हुए हैं।
द लाइकली रीजन फॉर द सेम आर एज फॉलोज, यानी जो ये करप्शन के नंबर्स कम हुए हैं इनके पीछे तीन रीजन बताए हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिलिंकेट पर्सन, यानी जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है। दूसरा है सेंसिटाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट ऑन सेवरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये सभी को बताया जाता है कि यदि आप करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे तो जो परिणाम होगा वो बहुत ही गंभीर होगा। और जो तीसरा रीजन है वो है रेगुलर प्रोपगेशन ऑफ एडवाइजरीज एंड पॉलिसीज, यानी जो भी करप्शन के ऊपर लेटेस्ट पॉलिसीज और एडवाइजरीज आती है उनके बारे में सभी को रक्षाकर्मियों को अवगत करवाया जाता है। तो साथियों ये थी राज्यसभा की रिपोर्ट जिसे कि आपको भी जानने का हक है। तो साथियों आप भी इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी घटित हुआ हो। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।